अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आपको बताना है कि आप पोकोइन को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, आप सोच रहे हैं कि पोकोइन को ज्वाइन किया जाए, तो आपने अकाउंट कैसे बनाना है, उसके अलावा अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है, डिपॉजिट इसके अंदर कैसे करना है, विड्रा कैसे लेना है, ट्रेडिंग कैसे लगानी है, बाय कैसे कॉइन करनी है, सेल कैसे करनी है, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। ये वीडियो का ट्यूटोरियल सिर्फ बिगनर्स के लिए है, क्योंकि जो इसके अंदर प्रो हैं, जिनको चलानी आती है, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल बेसिक है, वो इस वीडियो को बेशक ना देखें। लेकिन जो बिगनर है, जिनको अकाउंट नहीं बनाना आता, वो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट वॉच कर लें, क्योंकि कंप्लीट डिटेल वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको कुकॉइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। सिंपल आपने आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। आने के बाद आपने ऊपर लिख लेना है इधर कुकॉइन। आपको मैं बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिगनर्स के लिए वीडियो है, तो एक एक चीज़ आपको मैं बेसिक तरीके से समझाऊंगा। तो इधर आपने कुकॉइन लिख लेना है, स्पेलिंग आपने चेक कर लेने हैं। कुकॉइन आप लिखेंगे तो आपके पास ये एक एक्सचेंज आ चुकी है कुकॉइन के नाम की। आपने इस एक्सचेंज को डाउनलोड कर लेना है। अकाउंट तो इनकी वेबसाइट के ऊपर भी बन जाता है, लेकिन हमने इनकी एप्लीकेशन के ऊपर बनाना है। अभी अपडेट का ऑप्शन मांग रहा है, तो मैं अभी अपडेट नहीं करता इसको। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, फिर आपने इसको करना होता है ओपन। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे, इस तरह आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह ओपन होगा। आपने या तो एसेट के ऊपर क्लिक कर लेना, या आपको एसेट के ऊपर अगर आप क्लिक करें, उधर आपके पास साइन अप का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। साइन अप करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी ईमेल लिखनी है। अब जैसे आप अपनी ईमेल लिख लेंगे, उसके बाद आपने गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है। इधर आपके पास कोड आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट अगला जो प्रोसेस है, उसके अंदर आपने अपना पासवर्ड देना है। एक बार पासवर्ड को रिपीट करना है, तो एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये अकाउंट क्रिएट करना सिंपल है, उसके बाद जो अगले नेक्स्ट स्टेप है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अकाउंट इसी तरह बनेगा आपका, ईमेल लगानी है, आपने कोड आ जाएगा ईमेल के ऊपर, आपने गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्री कोड आएगा। उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड दो बार लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने वेरीफाई कैसे करना है। तो 2 से 3 स्टेप करेंगे आप, आपका अकाउंट इस तरह ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इधर ऊपर दिया गया आइकन वाला ऑप्शन, ये आपको अकाउंट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इधर आपके पास, ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये वाला आपके पास ओपन हो रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास अकाउंट की डिटेल ओपन हो जाएगी। इधर आपने अपना अकाउंट को वेरीफाई करना है। जैसे इधर मेरा ऊपर वेरीफाई नज़र आ रहा है, तो आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपने वेरीफाई करना है तो इधर आप अपने अकाउंट के क्लिक करेंगे, जिधर आपको एरो नज़र आ रहा है, इधर आपने अपनी डिटेल दे देनी है। कंप्लीट आईडी कार्ड अपने पास रखना है, आईडी कार्ड की कंप्लीट हिस्ट्री दे देनी है अपनी डिटेल। उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की पिक्स बना लेनी है, वो आप सेंड करनी है, वो ऑप्शन आपके पास होगा। उसके बाद आपने अपनी फेस की एक बार उनको तस्वीर सेंड कर देनी है, तो आपका वेरीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे वेरीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद डिपॉजिट करने के लिए आपने डिपॉजिट के ऊपर आना है। इधर डिपॉजिट करना है, अगर तो आपके पास बैनास में या किसी और एक्सचेंज में अंदर फंड्स पड़े हैं, तो आपने इधर से सिंपल डिपॉजिट एड्रेस लेना है और वहाँ से विड्रॉ लगाना, और इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फंड्स नहीं पड़े, तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा इधर P2P ऑप्शन। P2P ऑप्शन के लिए आपको एक अलहदा वीडियो बना दूंगा कि P2P से कैसे बाय करना है। उसके बाद आपके पास इधर P2P का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। अगर आपको P2P से बाय करना आता है, तो आप कुकॉइन को P2P के ऑप्शन से बाय कर सकते हैं। इसके अंदर भी P2P का ऑप्शन है, जिस तरह बैनांस के अंदर होता है। अगर आपको बाय करना आता है P2P से, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर P2P को कवर कर दूंगा कि P2P से यूज़ करते हुए कैसे बाय करनी है या कैसे इसके अंदर डिपॉजिट करना है। उसके बाद जैसे डिपॉजिट हो जाएगा, उसके बाद आपको इधर ट्रेड वाला आइकन नज़र आ रहा है। इधर आपके पास अगर आप एक्सचेंज के अंदर ही देखेंगे, तो आपको इधर होम के साथ तीसरे नंबर पर एक्सचेंज का ट्रेड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ऊपर ट्रेडिंग पेयर सेलेक्ट करना है, भी किस कॉइन के अंदर आपने ट्रेडिंग लगानी है, जिस तरह आपके पास बैनांस के अंदर होता था। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि बाय करना है या सेल करना है। सेल करना है तो सेल करें, बाय करना है तो बाय। उसके बाद लिमिट दी गई है, लिमिट का मतलब होता है कि आपने अपनी कोई प्राइस लगानी है, जिस तरह इन ट्रेडर्स ने अपनी प्राइस लगाई हुई है। जो चेक करें, सभी ने अपने अपने टारगेट्स लगाए हुए हैं। अगर तो आप इस तरह टारगेट लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मार्केट की प्राइस जो चल रही है, अगर इसके ऊपर बाय करना चाहते हैं, तो इस आयरों के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर एक मार्केट का ऑप्शन होगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर आपने लिमिट अपनी सेलेक्ट कर ली है, कितनी USDT के अंदर लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद नीचे जो है वो आपके पास BTC के अंदर लिमिट आ जाएगी। इधर आपके पास जितना भी बैलेंस पड़ा होगा, आपको वो शो हो जाएगा। उसके बाद इधर ट्रांसफर का ऑप्शन दिया गया, इसके अंदर अगर आपके मेन अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा है, तो इस वाले आइकन को यूज़ करते हुए आप इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। उसके बाद आप इधर से ट्रेडिंग लगा सकते हैं। उसके बाद आपने बाय BTC के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका BTC बाय हो जाएगा। सेल करने के लिए भी आपके पास सिंपल इसी तरह का, बिल्कुल उसी तरह का पैनल है। अपने लिमिट को जगह मार्केट सेलेक्ट करना है, अपनी प्राइस सेलेक्ट करनी है, कितने USDT सेल करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे BTC के अंदर अमाउंट शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपका BTC जो है वो सेल हो जाएगा। अब ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि आपको इस एक्सचेंज के अंदर यूज़ करनी है। उसके बाद जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने विड्रॉ कैसे लगाना है, विड्रॉ लगाने के लिए विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर तो बैनांस के अंदर लेना चाहते हैं विड्रॉ, बैनांस को
सेलेक्ट कर लें। अगर BTC के अंदर विड्रॉ लेना चाहते हैं बैनान से, आपने डिपॉजिट एड्रेस लेना है BTC का, और इधर आपको जिधर बताया उन्होंने कि डिपॉजिट एड्रेस पेस्ट करें, इधर एड्रेस पेस्ट कर देना है, एड्रेस दिया गया इधर एड्रेस पेस्ट कर देना है। इधर आपके पास BTC के अंदर अमाउंट होगी वो शो हो जाएगी। इधर आपने नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना, जो नेटवर्क आप उधर से कॉपी करेंगे बिटकॉइन के एड्रेस का, बिटकॉइन का ही नेट आएगा एड्रेस, आपने नेटवर्क बिटकॉइन ही सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने जितनी अमाउंट आपके पास BTC के पास पड़ी है वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेनी है। इधर आप मिनिमम 0.001 BTC का विड्रॉ लगा सकते हैं, जो आपके 24 आवर्स की लिमिट जो है हमारे पास 200 BTC है, इतनी कंप्लीट तो नहीं कर सकते। उसके बाद रिमार्क है, इंटर आपने रिमार्क कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना नीचे, नीचे आएंगे तो आपके पास ये कंप्लीट डिटेल दी गई जिसको आपने क्लिक कर लेना। उसके बाद इनकी फ़ीस जो है वो BTC के अंदर इतनी फ़ीस है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इधर से US अगर विड्रॉ लेना है तो पहले आपने अपने फंड्स को TRX के अंदर कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि TRX के अंदर फीस बहुत कम लगती है। हम विड्रॉ के ऊपर क्लिक करते हैं। विड्रॉ के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आपको TRX के विड्रॉ का भी बता देता हूँ कि TRX के अंदर आपने विड्रॉ किस तरह लगाना है। TRX सेलेक्ट कर लेना, TRX जैसे सेलेक्ट करेंगे आपने इधर TRX का नेटवर्क जो एथेरियम TRX जो है ट्रॉन TRC20 वाला सेलेक्ट करना है। अब TRC20 वाला एड्रेस है तो TRC20 वाला एड्रेस है तो इधर इनकी फ़ीस जो है मिनिमम 0.15 ट्रॉन फीस लगेगी, जो कि बिटकॉइन के मुकाबले बहुत कम फीस है। तो अगर आपने विड्रॉ लगाना है बैनांस के अंदर तो पहले आप TRX के अंदर कन्वर्ट करें, फिर इधर से विड्रॉ लगाना, और बाद में बैनांस के अंदर जाने के बाद आप वहां से सेल करके USDT के अंदर अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 मेथड है जिनको आप यूज़ करते हुए इस एक्सचेंज को यूज़ कर सकती हैं, किस तरह बाय करना है, किस तरह सेल करना है, डिपॉजिट करना है, ये सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको गाइड कर दिया कि कैसे आपने अकाउंट को क्रिएट करना है, वेरीफाई कैसे करना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उस वक्त तक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें।